लड़का एग्जाम दे के जाता है ना, हॉल में उसको पता चल जाता है मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और निकलते अब वो उसका जवाब देखिएगा माँ बाप के लिए, ठीक था लेकिन टॉप था, अब वो एडजस्ट होना सीखने लगता है। पढ़ाई नहीं करते लोग तो अच्छा नहीं लगता है। एक सवाल को ना पता है हम 4 बार 5 बार बोलते हैं, काहे लिए पता है, आपको कम से कम याद हो जाए सुन के, उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं, बहुत गुस्सा लगता है, पता नहीं क्यों भूल ही जाते हैं। देखो इसके अलग ही दुनिया है, लवली पांडे, हम आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल ही जाइएगा, नहीं भूल जाएंगे किसी भी चीज के, नहीं भूलने का बस एक ही रीजन है, दो कारणों से आप भूलते हैं, पहला एक तो समझने के दौरान ही आप गलती किए हों, दूसरा कि आप उसे रिवाइज न किए हों, बाकी कोई कारण नहीं है आपके भूलने का। हम ही लोग अभी पढ़ा रहे हैं, फिर किसी बैच में आदमी को पढ़ाना पड़ेगा, इसको क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं डाउट आएगा लड़का का पूछेगा तो आदमी इसको बता देता है, और हम ही लोग अगर छोड़ दें 2-3 साल अगर मतलब एक लंबा टाइम तक छोड़ दें तब तो हो गया काम। सिंसियरिटी भी मायने रखती है, हम लोग किसी भी चीज़ को जब याद करते हैं ना एक दिमाग में डर रहता है, क्यों, क्योंकि जब आदमी पढ़ाएगा यहाँ पर तो ऑनलाइन का लड़का देखिए रहा, एप्लीकेशन का देख रहा है, अगर अटका 30-35 लाख लड़का के आगे बेइज्जत हो जाएगा आदमी, तो एक दिमाग में डर भी रहता है कि ना बढ़िया से इसको अच्छा से पहले खुद पता रहना चाहिए तभी तो आपको समझा पाए। और ज़्यादातर लड़कों के पास यही का समस्या है, उनको डर ही नहीं है, अरे भुला गए तो क्या दिक्कत है, देख लेंगे, और यहाँ हम लोग के लिए कोई चीज़ है ऑप्शन ऐसा, कैसा लगेगा आज ही भुला गए हैं, क्या कहिएगा आप लोग, इस सही में दिमाग खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं 42 साल की उम्र में भी स्टेबल रखा जाए आप, जिसके लिए सिंसियरिटी मायने रख, आप लोग को सिंसियरिटी है नहीं, लड़का एग्जाम दे के जाता है ना हॉल में उसको पता चल जाता है मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और निकलते हैं वो उसका जवाब देखिएगा माँ बाप के लिए, ठीक था लेकिन टॉप था, अब वो एडजस्ट होना सीखने लगता है, लीक हो गया था क्वेश्चन, वो खुद को क्या करता है, एडजस्ट करता है, तो आप लोग भी उसी टाइप के हैं लोग।